अस्सलामु अलैकुम, मैं जुलेखा अरफान, जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं गार्लिक यानी कि लहसुन वाला चिकन ग्रेवी। बहुत ही मजेदार, झटपट, घर के हाजिर मसालों से बनता है। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए एक किलो तक की चिकन चर्बी निकाली हुई है, दो तीन पानी से धो के नितारने 10-15 मिनट के लिए मैंने छन्नी पर साइड पर रख दिया था। अब एक बाउल के अंदर डाल दीजिए। इसे आप चाहें तो स्लिट मार सकते हैं चिकन के पीसेस को, या फिर मेरी तरह इस तरीके से आप पोक करेंगे ना छुरी की मदद से, तो थोड़ा मसाला सिर्फ अंदर तक जाने के लिए ये हमेशा मैं करती हूँ। चलिए अब हम मसाला डाल देते हैं। तो इसमें डाल दीजिए एक छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी। सारी चीजें डालकर मैरिनेट कर दें, आधे घंटे के लिए साइड पर रख दें। आप चाहें तो ढककर फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर क्लाइमेट सही हो तो ढककर बाहर रख दीजिएगा, या फिर आपके पास समय नहीं हो तो यहीं से कंटिन्यू कीजिए। मैरिनेशन के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा लहसुन था ना तो उसको कूट दिया है, और इसे भी मैं साइड पर रख देती हूँ। एक कढ़ाई के अंदर तेल डालिए। अगर आप वेजिटेबल ऑयल डाल रहे हैं तो ये वाला प्रोसीजर मत करिए, सिर्फ तेल डालकर आगे का प्रोसीजर चालू कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं सरसों वाला तेल डाल रही हूँ, तो सबसे पहले फास्ट आंच पर इसे गर्म कर लीजिए। ऐसा गर्म कीजिए कि हल्का धुआं आने लगे। जब धुआं आने लगे तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे थोड़ी देर हल्का रहने ही दीजिए। ऐसा जब हल्का ठंडा हो जाता है इस तरीके से, तो यहाँ मैं डाल देती हूँ 2 तेज पत्ता, 2-3 हरी इलायची, 1 डांडी दालचीनी की मैंने तोड़ दी है, 1 बड़ी इलायची काली वाली, 2-3 काली मिर्च, 2-3 लौंग भी डाल दीजिए, 1/4 छोटे का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए, 3 टीस्पून कूटा हुआ लहसुन डाल दीजिए। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ भी डाल सकते हैं। हाँ, और इसे सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए, क्योंकि हल्का सा आप देख सकते हैं तेल गरम था। अब मैं फिर से चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर देती हूँ, और ये जो लहसुन है ना इसे तकरीबन थोड़ा सा फ्राई कीजिए, हल्का सा कलर चेंज होने लगे आपको तब यहाँ 2 मीडियम साइज की प्याज डाल दीजिए, और इसे फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। प्याज को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा। हाँ, ये देखिए इस तरीके से लाइट हो जाए प्याज का कलर। तो यहाँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे बार बार चलाते हुए भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक अदरक लहसुन के कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। जब कच्चापन चला जाए तो यहाँ पर 2 टमाटरों को मैंने छील निकाल कर काट कर डाल दिया है। अब इसे भी डालकर 1-2 मिनट फ्राई कीजिए। जब 1-2 मिनट हो जाए तो चूल्हा स्लो आंच करके ढक कर 4-5 मिनट रहने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते हमारे ये टमाटर। चलिए 3-4 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो गए। स्पैचुला से थोड़ा सा आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं, अच्छे मशी हो गए। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ नमक 1/2 छोटी चाय का चम्मच, 1/2 छोटी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 या 2 छोटी चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने 1.5 डाले हैं, और 3/4 छोटी चाय का चम्मच जीरा पाउडर, और 1/2 छोटी चाय का चम्मच गर्म मसाला पाउडर डालकर 1/4 कप जितना पानी डालिए, और इसे सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। ढाक दीजिए इसे, चूल्हा वैसे भी स्लो पर है, और ढाक कर इसे स्लो आंच पर पकने दीजिए 3-4 मिनट, या तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। चलिए 3-4 मिनट हो चुकी है, तेल छूटने लगा है आप देख सकते हैं। तो फिर से मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ, आप चाहे तो 1/4 कप भी डाल सकते हो, और इसको चूल्हा मीडियम कर दिया, और मैं थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से टमाटरों को प्रेस कर रही हूँ, और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आए तो वापस स्लो आंच करके इसे ढाक कर पकने दीजिए 4-5 मिनट, या तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तेल ऊपर आ चुका है, 2 बार हमने मसाला भून भी लिया था। तो चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच, और चिकन डाल दीजिए, और मसाले के साथ डालिएगा जो मैरिनेशन हमने डाला था ना उसके साथ डाल दीजिए। चूल्हे को मीडियम पर ही रहने दीजिए, और इसे बार बार चलाते हुए 3-4 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दीजिए, सो दैट हमारे ये जो चिकन है ये भी तो मसाले में थोड़ा भुना जाएगा, और इसका कलर चेंज होए तक हम इसे भून लेते हैं। जब हल्का कलर चेंज होने लगे तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच, और इसे ढक कर पकने दीजिए। अच्छा, बिना पानी डालकर आपने ढक कर पकने देना है, क्योंकि इसका खुद का पानी छूटेगा और उसी पानी के अंदर ऑल द मोस्ट वो गल जाएगी। चलिए मैं ढक देती हूँ।
चलिए 7-8 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अभी भी कितना पानी है ना। तो अब आप चाहें तो बिना पानी के आपने बनाना है तो कोई बात नहीं, इतनी ग्रेवी आपको सही लग रही है क्योंकि अभी और पकेगा तो आप ग्रेवी और कम होगी। लेकिन अब यहाँ पर मैं ग्रेवी के लिए है ना पानी साइड पर बॉइल करने रखी हूँ, तकरीबन 3/4 कप। आप चाहें तो हाफ कप भी रख सकते हैं या 1/4 कप भी डाल सकते हैं। तो ये 3/4 कप गर्म पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, एक बार चला लीजिए। चूल्हा मीडियम पर है, आप फास्ट पर भी रख सकते हैं, और एक उबाल खिला लीजिए। जब एक उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके बाकी का 7-8 मिनट और रहने दीजिए, क्योंकि पूरी तरीके से पकी नहीं है चिकन, टोटल 15-17 मिनट में पकती है ना। चलिए टोटल हो गए हैं तकरीबन 8-9 मिनट और ये बन गई मेरी चिकन। मैंने चूल्हा कर दिया बंद और थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए इसके ऊपर बारीक कटा हुआ। चलिए चिकन को साइड पर रख देती हूँ। यहाँ पर एक वाटी के अंदर ये सबसे पहले तो समझे ना, एक छोटा चाय का चम्मच जितना लहसुन था इसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। अब वाटी अच्छी गर्म हो जाए तो आप तेल डाल दीजिए। अच्छा, अगर आपने नॉर्मल तेल लिया है जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है तो प्रोसीजर डायरेक्टली शुरू कर दीजिएगा, बट आपको पता है इसे प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा गर्म हो जाए ये वाला तेल हमारा सरसों वाला, तो इसका चूल्हा कर दीजिए बंद, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए। तो ये मैं लहसुन डाल देती हूँ और इसे थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। इसे हल्का सा मैं लाइट होने तक इसे फ्राई कर लेती हूँ। अब चाहिए तो आप चूल्हा फिर से चालू कर सकते हैं थोड़ा सा, और इसे जब फ्राई हो जाए तो इसमें थोड़ा सा है ना स्लाइड 1/4 छोटे चाय का चम्मच क्विकली लाल मिर्ची का पाउडर डालिए, मिक्स कीजिए और ये जो हमारी ग्रेवी है क्विकली इसमें डाल दीजिए। मैंने थोड़ा सा वाटी में निकाल लिया सो दैट मैं अभी जब प्रेजेंटेशन करूंगी ना तब उसमें भी डालूंगी। तो ये इस हिसाब से मैंने, नहीं तो आप तो डायरेक्टली आपके जो ग्रेवी है इसके ऊपर डाल दीजिए या फिर डायरेक्टली आप जो सर्विंग बाउल है उसमें डाल दीजिए। चलिए अब मैं इसे गर्मा गर्म एक प्याले में निकाल रही हूँ और सर्व करती हूँ। आप चाहे तो रोटी पराठा फुल्का किसी के भी साथ सर्व कीजिए, वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा, हरी मिर्चियाँ मैंने डाली नहीं है, आप चाहे तो जब लहसुन डाल रहे हैं उस समय डाल दीजिए, या फिर आप जब टमाटर डालते हैं तब हरी मिर्चियाँ एक दो बारीक काट कर डाल दीजिए, या आप चाहे तो एंड में भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने टोटली हरी मिर्चियों का इस्तेमाल किया ही नहीं है। आप चाहें तो लाल मिर्ची भी अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा, मैंने 1/4 छोटे चाय के चम्मच डाले हैं। चलिए मैंने जो साइड पर रखा था ना, जो लहसुन थोड़ा निकाल के रखा था प्याले के अंदर, ये वाला डाल देती हूँ इसके ऊपर सर्विंग डिश के ऊपर, और थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया से इसे गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो ये बन गया हमारा मज़ेदार सा लजीज झटपट और बहुत ही डिलीशियस लहसुनी चिकन ग्रेवी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए जल्द से जल्द, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक फॉरवर्ड करना ना भूलिएगा। फिर से हाजिर होगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।